जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसे आप अपनी राजस्थान SSO ID से लिंक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और वो भी अपने मोबाइल फोन से। या दोस्तों, अपने मोबाइल फोन से। तो आज आपके सामने बिल्कुल लाइव ये प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले आप अपना जन्म आधार है वो अपने साथ ले लें, तभी आप इस प्रोसेस को शुरू करना, क्योंकि उसके अंदर इसके नंबर यहाँ पे लगेंगे। और एक बात और बता दूं कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट इसके अंदर लिंक करने से पहले आप अपना जन्म आधार है वो इसके अंदर लिंक कर लें बहुत ही आसानी से, तो फिर आपको इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आपके सामने बिल्कुल लाइव आपको मैं जो मेरा कास्ट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो आपको ऐड करके दिखाऊंगा अपनी SSO ID में। तो आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर देना है SSO। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी ये कर सकते हैं। तो ये SSO सर्च करने के बाद अब आप देख सकते हो आपके सामने पहली वेबसाइट आ गई है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो चुका है। अब आपको अपनी जो SSO ID है वो यहाँ पर लॉगिन कर लेनी है। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपनी ID डालनी है, और यहाँ पे पासवर्ड और एक रिकैप्चा डाल देना है जो आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना है, और आपकी जो SSO ID है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी सक्सेसफुली। तो आपके सामने जो वेबसाइट है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है जन आधार। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे देख रहा है आपको जन आधार, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, जन आधार आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको जन आधार इन ऐप में सब में ढूंढ लेना है। तो आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ये रहा मेरे यहाँ पे भी मिल रहा है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ सिंपली, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपको सिंपली यहाँ पे इनरोलमेंट आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ऑफलाइन सीडिंग आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हो, आप जो भी डॉक्यूमेंट आप अपनी SSO ID में ऐड करना चाहते हो उसे आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे BPL लिखा रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड स्टेट BPL, आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कास्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको अपनी जो जन आधार ID होती है, नंबर होते हैं, वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं अपने जन आधार में से देखकर। तो आप देख सकते हैं मैंने जो जन आधार नंबर है वो यहाँ पे डाल दिए। अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सर्च, आपको उस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप सर्च पर क्लिक करोगे तो आपके जो भी मेम्बर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, और आपको सिलेक्ट कर लेना है उसका आप जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसे ऐड करना चाहती हो। तो मैं यहाँ पर मेरा नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो उसकी यहाँ पे डिटेल आ चुकी है, यहाँ पे उसका फादर नेम आ गया, यहाँ पे उसका नेम आ गया। तो अब आपको करना क्या है कि मैंने यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मैं ऐड कराऊँ। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो आपने बनवाया ईमीटर से, या तो आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हो टोकन नंबर क्या है। अगर आप वहाँ पर नहीं जा सकते हो, तो अगर आपने अभी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाया 2021 में, तो वो क्या है कि डिजिटली बनकर आता है। तो आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर ही टोकन नंबर लिखे होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके नीचे आओगे तो यहाँ से नीचे से जो थर्ड लाइन है उसमें टोकन नंबर लिखा हो रहा है, टोकन संख्या लास्ट के अंदर आपको लिखा मिल जाएगा। तो मैं आपको मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये मेरा कार्ड सर्टिफिकेट है, और मैंने यहाँ पे अंगुली रखे रखी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोकन संख्या, तो ये टोकन संख्या आपको यहाँ पे डाल देनी है। मैंने प्राइवेसी के लिए यहाँ पे अंगुली रखी है, तो आप यहाँ से देखकर वो टोकन संख्या यहाँ पे डाल दोगे तो आपको कुछ करना नहीं होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने टोकन संख्या डाल दी, और आपको सिंपली सर्च पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप सर्च पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हो मेरी सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको अपने जो जाति कास्ट है, कास्ट पत्र की आपको फोटो भी अपलोड करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो आपको अपनी टोकन संख्या डाल दी, सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपके पास टोकन संख्या नहीं है तो आप अपने ईमीटर से पूछ सकते हैं, या फिर आपको मैंने बता दिया है वहाँ पे टोकन संख्या होती है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस सिंपली ऐड पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप ऐड पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है, आप ऊपर देख पा रहे होंगे। तो इस तरह आप अपने SSO ID में अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।